Right now I'm here and I have one boy. I just wanted to know about that. So his name is Emmanuel and now he's my friend, very good friend. Emmanuel, tell me something about this beach. Yeah, you know, we are right now live in Santa Cruz Beach, you know. It's happening and this is the beach you want to be. So it's good for you to come here to relax with your wife, family, friends. You understand? So you can see around, if you show you around, you will see that this is the place to always be. It's located around the lake side of Nigeria, Lagos State. And it's a private beach, cool beach. And the beach, when you come in, trust me, it's a top notch. So you are going to show some samba steps? Sure. Okay. Let's start. और जो है ना इस वक्त फुल नाइजीरियन गाने चल रहे हैं और हम इस वक्त लैगोस में हैं और आज एक प्लान बनाया है बीच पे जाने का, देखते हैं कैसा होगा। ये नाइजीरिया की बीचेस प्लेस वाली प्लेसेस हैं, दैट्स व्हाई इट्स वेरी फाइन रोड्स फाइन और इट्स ओके। और वी आर इन द कार, finally we reached at beach. I think this is दिस इज़ फॉर एवरी पाकिस्तानी। आप लोग इतना बोलते हो ना कि ये वो फलाने मौका, अब यहाँ नाइजीरिया के एक बीच पे एक बंदा 1500 नायरा पे कर रहा है फॉर दिस सिंपल बीच के। हाँ, चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी, नॉट लाइक पाकिस्तान, चीज़ें थोड़ी चेंज होंगी शायद, इसके 1500 रुपये मांग रहा है हमसे। तो ये है चीज़ कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, बाकी जहाँ जाओगे ना हर चीज़ के पैसे भी करने हैं तुम्हें, दुनिया में कहीं भी जाओ हर चीज़ के पैसे भी करने हैं। हम लोग 150 रुपये देने में मसला करते हैं, बट ये 1500 रुपये से इसने अंदर आने के 1500 रुपये एक बंदे के चार्ज किए। और दिस इज सेंटा कुबस एंड समथिंग दिस बीच, सो वी आर जस्ट पार्क। या इट्स हट, यस इनको गाड़ी की टेंशन है, गाड़ी मेरी गाड़ी। 1500 नायरा पे किए हैं अंदर आने के लिए। साउंड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ यूनिक साउंड्स आ रहा है, कुछ मे बी दिट शुड बी समथिंग, मे बी कुछ यूनिक होने वाला है। और आई डोंट नो, एनवायरनमेंट इज़ बड़ा यू नो नेक्स्ट लेवल है, पता नहीं शुड आई शेयर और नॉट, आई डोंट नो। और हमारे साथ जो है ना वो इस वक्त हमारे दोस्त मौजूद हैं। एनवायरनमेंट नेक्स्ट लेवल, ये एनवायरनमेंट है भाई, फुल एंजॉय वाला समंदर, नेक्स्ट लेवल समंदर है। एनवायरनमेंट तो भाई वो है जो दिखाने वाला नहीं है और शो कराने वाला भी एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि जो फैमिली ब्लॉग्स भी होते हैं तो बहुत सारे लोग फैमिली में देख रहे होते हैं। तो फिलहाल कोशिश करूँगा कि जितना मतलब हाइट कर सकूँ करूँ, और समंदर बहुत प्यारा है, समंदर दिखाऊँगा। और बहुत ज़बरदस्त माहौल है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और रिलैक्सेशन है। बाकी आपको पता है कि आप बाहर हो, अगर कंट्री से बाहर हो तो आपको पता है कि किस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलती है, बट इट्स ओके, आई एम ट्राइंग कि आई एम नॉट यू नो, कोशिश करूँगा जितना सादा ब्लॉग कर सकूँ उतना, बट आप देख रहे हो अगर मैं समंदर की वीडियो बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलना है। तो एनी वे आई विल ट्राई टू कैप्चर द ओनली सी और द बॉयज़, सो ये इन्वायरमेंट है भाई।
और यही है सारा नाइजीरिया। समंदर बहुत तेज है भाई, बहुत। जो अच्छे स्विमर है वो स्विम कर रहे हैं, जो अच्छे स्विमर नहीं है वो स्विम नहीं कर रहे हैं। भाई कुछ गर्ल्स हैं जो अपने जिनको अच्छी स्विमिंग आती है वो स्विम भी कर रही हैं, वॉक भी कर रही हैं। ये इन्वायरमेंट है बस यहाँ का। आप ही देखें इसको, डेंजरस मैन। हाँ इट्स ओके भाई, सब इंजॉय कर रहे हैं। बट मैं जो है ना वो चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकता हूँ जो मुझे कैप्चर करनी है, तो बस बॉयज आर इंजॉइंग टुगेदर। पुल ऑन बॉय, ये भाई पुल मजे में, इसमें पुल जिसे कहते ना मजे में, ये एंजॉयमेंट में, फुल एंजॉयमेंट में। सेम लाइक अ सी व्यू द हॉर्स राइडिंग। बहुत ही मजे की प्लेसेस है, बहुत ही मजे की प्लेसेस है। Right now I'm here and I have one boy. I just wanted to know about that. So his name is Emmanuel and now he's my friend, very good friend. Emmanuel, tell me something about this beach. Yeah, you know we are right now live in Santa Cruz Beach. You know it's happening and this is a beach you want to be. So it's good for you to come here to relax with your wife, family, friends. You understand? So you can see around. If you show you around, you will see that this is the place to always be. It's located around the lake side of Nigeria, Lagos State, and it's a private beach, cool beach, and the beach when you come in, trust me, it's a top notch. So now he is just showing you how to samba, to do this. There is one famous thing in the samba in Nigeria, in Africa, all Africa. So you are going to show some samba steps? Sure. Okay. Let's start now. He's going to now the man. यार ये जो ना सांबा के कुछ स्टेप सिखाने वाला है, तो मैं जो लड़कियों को कट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको जरा ले रहा हूँ। ओके, नाउ सो नाउ डू सम सांबा स्टेप्स मैनुअल। या दिस इज द वे। तो अभी मैं इसको पागल बना रहा हूँ, इसको वही दिखा रहा हूँ कि भाई तो शूट कर रहा हूँ और तू सांबा स्टेप करके दिखा। तो ये सांबा स्टेप करके दिखा रहा हूँ खुशी खुशी में, और ये पुलवान है और मैं तो बस इंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं इसको मैंने बोला कि भाई तू थोड़ा सांबा स्टेप स्टेप करके दिखा दे और थोड़ी ऑडियंस को बता दे कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये जब है ना अभी सांबा स्टेप कर रहा है, और वहाँ जो ना एक और लोकेशन लगी हुई है उस तरफ। तो अभी जैसे ही सांबा अम्मा स्टार्ट होगा तो आई विल जस्ट शो यू हाउ टू डू सांबा। और मैं तो आज पहला दिन है नाइजीरिया में ऐसा जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, वरना मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नहीं समझ में आ रही थी। तो मैनुअल यू आर डूइंग वेरी गुड सांबा। ओके, और सन ब्लॉक कुछ काम नहीं करता है यहाँ पर, सारी कुछ भी लगा लो आपका रंग, आपको जाना है और आपको एक महीने लग जाएगा पाकिस्तान जाकर वापस सही होने में, वैसे होने में। बहुत ख़तरनाक गर्मी है और बहुत ख़तरनाक धूप है यहाँ पर, और आपके सन ब्लॉक ये सब पागल बनाने वाली चीज़ें मैंने यहाँ करके देख लिया, सारे फेस वॉश यूज़ करके देख लिए, सारा कुछ करके उसको देख लिया। 10 दिन में रंग डाउन टोटली, और जब मैं आया था कितना मैं देख रहा था, कोई प्रीवियस पिक्चर्स देख रहा था मैं। और सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पर इन्जॉयमेंट के लिए ये मुझे पहली जगह नज़र आई है, वैसे मैंने बहुत कुछ देखा यहाँ पर, बट इट्स वेरी गुड थिंग। तो अभी फर्दर मोर जो चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ वो दिखाऊंगा, जो नहीं दिखा सकता वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आई एम जस्ट इन्जॉइंग एंड टू मच इन्जॉइंग। दिस इज़ वेरी गुड प्लेस। यू कैन जस्ट कम विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एंड लॉट्स ऑफ गाइस इज देयर विद द फैमिली, विद द फ्रेंड्स, एंड दे आर जस्ट इन्जॉइंग। दे डोंट नो how the people are thinking about them and whatever it is, but just they are just enjoying, and it's a very good place. The people are very friendly and the very loving, very caring people is there. Everybody just sab jo hai na bahut acche se treat kar rahe hain aapko. Kisi ke sath jana hai, kisi ki tasveer khichwani hai, you can go and just take a snaps. They don't mind, they just smile like this, always. So I'm just very 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 much enjoying here. My boys, they are enjoying in the waters. Can you, the boat are with us, or enjoying, all the boys are enjoying here. And ab ye jo hai na original Africans start ho gaye hain, ye wala scene hai, aur ye bas sab se to ye sara environment.
और फुल सांबा वाम्बा शाम्बा स्टार्ट फुल सांबा। वहाँ जाऊँगा अभी मैं, वो डीजे वाली जगह पर। ओके सो जस्ट गो ऑन। ये भाई बीच के बिल्कुल साथ का हिस्सा, मैं एक और पॉइंट पर आया हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा फैमिली इन्वायरमेंट टाइप का है, तो ये एक और हिस्सा है बीच का। तो यहाँ पर भी लोग उसी तरीके से ना आ रहे हैं, बस यहाँ थोड़ी सी चीज़ें कम है, थोड़ी सी फैमिली इन्वायरमेंट है, ड्रेसिंग और दूसरी चीज़ें थोड़ी सी चेंज है। और मेरा प्लान ये है कि मैं जाऊँगा वो वहाँ तक, तो मैं थोड़ा सा और वॉक करना चाहता हूँ, थोड़ा सा वॉक करूँगा वहाँ तक, फिर वहाँ से वॉक करके आएंगे, देखेंगे कुछ नया मिलता है। ठीक है, लिटिल लिटिल क्रैप्स की देखो, ये अंदर से निकल के भाग रहा है, नजर आया कि बहुत सारे क्रैप्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे क्रैप्स हैं यहाँ पर। और ये सब क्रैप्स जो हैं वो बिल्कुल ओपन क्रैप्स, ये देखो सी लॉट्स ऑफ क्रैप्स देयर लुक भाई। ये जो केकड़े हैं ना, ये आई एम जस्ट जूमिंग, ये लाइव केकड़े हैं, लाइव। और ये समंदर में भाई खुल्ला खुल्ला घूम रहे हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है अभी तो फिलहाल, और अभी मज़ीद इन्जॉय करने का इरादा है। तो बस ये है लैगोस का एक बीच, इसका नाम मैंने पहले बताया था आपका, सेंटा क्रॉस बीच। सो देर इज़ टू मच ब्यूटिफुल थिंग्स बट आई डोंट वॉन्ट टू कैप्चर, सो आई इन्जॉय इट अ लॉट। और बट क्या है कि फैमिली इन्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें स्किप करनी पड़ती हैं, सो दैट्स वाई आई एम जस्ट शोइंग दिस काइंड्स ऑफ हर्ट देयर, द नारियल ट्री इन ओवर लैंग्वेज, तो हमारी ज़ुबान में तो नारियल ट्री कहते हैं इनको, कि भाई ये नारियल के दरख्त हैं। और ये ऐसे बीच के ऊपर ये वो वहाँ तक बहुत दूर तक लगे हुए हैं, सो हम जस्ट इन्जॉय कर रहे हैं ये समंदर। और थोड़ा सा तेज़ है समंदर आज, और हम वापस जा रहे हैं उसी जगह पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना, जो भी प्लान था वो स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने एंट्री ली थी, हम वहीं वापस जा रहे हैं। तो बस यही सीन है, तो होप यू गाइज आर इन्जॉइंग, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप यू गाइज शुड बी सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो बेल आइकन, तो इट शुड बी होना चाहिए ना भाई लोग, कुछ तो होना चाहिए। और जो है ना थोड़ा सा वो मैं सीन ही हो रहा है कि वो यहाँ पे रह के रहते हैं, इंग्लिश बोलने की इतनी आदत हो गई है, ब्लॉग में इंग्लिश चल रही है, तो काइंडली अवॉइड। और बस अब मैं स्किप कर रहा हूँ वीडियो, और फिर मैं आगे से बनाऊँगा जाके थिंग्स देयर। सो दिस इज लागोस सेंटा क्रूज बीच, सो अफ्रीकन बॉयज एज यू ऑलरेडी नोज। सो अब सिनेरियो कुछ ये है कि मैं दोबारा जाता हूँ, इन्जॉय करते हैं, जो चीज़ें मैंने दिखाई जो चीज़ दिखा सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन ये कि बहुत मज़े की जगह यार, दिस इज़ यूनिक इन्वायरमेंट। मैंने जो लागोस का वाला हिस्सा देखा था, इट वॉज बहुत ही खतरनाक था, मैं तो इसको प्रिपेयर भी नहीं करना चाह रहा था, बट जो ये हिस्सा देखा इट वॉज टोटली डिफरेंट। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ हम दिखा सकते हैं वो हम दिखाते हैं, कैप्चर करते हैं, और बाकी आगे देखेंगे। इन्जॉय तो मैं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, जितना मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ उतना मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, बाकी देखते आगे मज़ीद क्या हो सकता है। तो लागोस की कुछ खूबसूरती है, समंदर बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त बात है। अब चलते हैं अंदर बेसिकली साउंड बहुत ज़्यादा था, जैसा मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो मैंने सोचा यहाँ आके वीडियो बना लूँ, तो दैट्स इट। सो चलते हैं वीडियो की जाने, और फर्दर मोर भाई प्लान ये है कि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा, और बारिश होने वाली है, दैट्स वाई एवरीथिंग इज फ्लाइंग देयर। सो I'm just ignoring it and the video is off. So keep subscribing, do like, share, subscribe. फुली अंधेरा हो चुका है भाई, और सिनेरियो कुछ ऐसा है कि फुली अंधेरा हो चुका है, और अब मैं ये ब्लॉग इख्तिताम कर रहा हूँ, यहाँ पे और कुछ बना नहीं सकते, कुछ बन नहीं सकता है, तो बस टाटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।